फास्ट न्यूज जिलापाल मुख्यमंत्री बैठक समयानुसार रोगों ऑक्सीजन औषध जोगाण को गुरुत्व राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़िवार लगी विभिन्न जिले में संक्रमण को संख्या को नियंत्रण करने वरिष्ठ अधिकारी दायित्व दि जाऊँगी तथापि स्थित नियंत्रण बाहर थी देखाऊँगी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एने वरिष्ठ अधिकारी और जिलापाल एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करते से समयानुसार कोरोना रोगी को पर्याप्त परिमाण में ऑक्सीजन एवं आवश्यक औषध जोगाई देवार गुरुत्व पर निर्देश देते से आहरी ऑक्सीजन जोगाण प्लां जपर सठिक भाव में परिचालना होने गुरुत्व देवाकूब खाली से नुहे रोगों जरूरी औषध जोगाण को निश्चित करने को मुख्यमंत्री जिलापाल वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश देते यासह मुख्यमंत्री आहरी वर्तमान परिस्थिति जहाँ प्रमाणित करोनार यही द्वितीय लहर किंबा लंबा समय पर्यंत चलो तेणु ए समस्त सचेतनता रुक पड़ कोरोना सह लड़ाई आम समस्त प्रस्तुत रहा कोरोना लहर को टालक समस्त नियम मानि चलने पड़ो कोविड गाइडलाइन अनुसार समस्त चलो से निर्देश देते दुई नंबर खबर आंटीजेन रिपोर्ट नेगेटिव तथा डाक्टर कहले कोरोना मृत्यु होती सामना को आसला चिकित्सा अवहेला को नहीं मृत्यु जाजपुर धर्मशाला मेडिकल एभरी एक अघटन घटी अभियोग मृतकों पर लोके चिकित्सा अवहेलार मृत होता अभियोग कर डाक्टरखाना पक्षर यह संपूर्ण खंडन कर डाक्टरखाना पक्षर कहुच्च मृत व्यक्ति कोविड आक्रांत थे तेणु तक मृत्यु होती मृतकों होती जेनापुर अंचल गणेशपुर बेहरा गणेशपुर को ज्वर होता बेले गत 20 तारीख से आर्जेटेन निजर टेस्ट कराइले आंटीजेन टेस्ट नेगेटिव आसीला तेज मंगलवार हठात छाती जंत्रणा होवु से निश्वास नेबार कष्ट अनुभव करते तेणु पर लोक तुरंत धर्मशाला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते सेठे डाक्टर तक मृत घोषणा कर तेज गणेशपुर बेहरा मृत्यु को नहीं पर लोक चिकित्सार अवहेला अभियोग कर मेडिकल हो हल्ला करते मेडिकल परिसर किसी समय पर उत्तेजनामूलक परिस्थिति उपजी जाता। तीन नंबर खबर कंटावांजी डाक्टरखाना अम्लजान अभाव रोगी मृत्यु घटना मीडिया को टार्गेट करे उपजिलापाल कंटावांजी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अम्लजान अभाव हेतु जड़े व्यक्ति मृत्यु होता संपर्क मंगलवार एक खबर ओटीवी रे प्रसारित होता एक खबर मृतकों पु को अभियोग को आधार कर एक खबर टी प्रसारित होता तेज अम्लजान अभाव अभियोग को नहीं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर भीमसेन साहू खंटन कर से कहते हैं रोगी को अत्यंत गुरुतर अवस्था स्वास्थ्य केन्द्र को अणाइला और डाक्टर तक चिकित्सा करते डाक्टरों समस्त उद्यम सत्वे मृत्यु होता श्री साहू आहरी स्पष्ट कर देते कंडावांजी सीएससी में 16 अम्लजान सिलिंडर स्टक् रही अम्लजान अभाव मृत्यु होना से दिन सन्धार टीटलागढ़ सब कलेक्टर सामेन्द्र उपाध्याय एक संवाद सम्मेलन डकई आती से मृतकों पर द्वारा करम्लजान अभाव अभियोग को संपूर्ण खंडन करते सब कलेक्टर यह स्पष्टीकरण को नहीं ओटीवी रे प्रकाशित कर चार नंबर खबर जरूरी नथिले हॉस्पिटल रुहंतु ना मे द्वितीय सप्ताह शीर्ष छुईब कोरोना देश में आहरी प्राय 20 दिन कोरोनार प्रकोप देखा मिल पाए मे द्वितीय सप्ताह बेलू आसीपे कोरोना पिक यह सूचना देखते जनस्वास्थ्य निर्देशक सता निरंजन मिश्र आईआईटी कानकपुर गवेषणा अनुसार देश में से मे मस सर्वोच्च स्तर में पहुंच कोरोना अंपटे से कितु आश्वासना देखते राज्य में टेस्टिंग कमिनी किंवा टेस्टिंग किट्र अभाव ना एवं लोके निजे निजे आसी टेस्टिंग कराऊँच किसी लोक रेम सिल्भर को घरे अजथार महजूद कर रखुवार अभोग निरंजन मिश्र यह औषध कोरोना पर अभ्यर्थ नुहे जहाँ को अजथार महजूद रखी कृत्रिम अभाव सृष्टि कर सरकारी स्तर में दरकार मुताबक मेडिसिन रोची बेड्र अभाव ना बोली से प्रतिश्रुति कारण 4 लेखाएं जिला को नहीं क्लस्टर देखाऊँगी से जिला भितर रोगी को बेड जोगाई दिजा एवं रोगी गुरुतर नहले हॉस्पिटल बेड रे न रही घरे रहा परामर्श देते जनस्वास्थ्य निर्देशक एपरी हेले प्रकृत दरकार होता लोक हॉस्पिटल बेड मिलिबो नाही बोली से जुक्ति तर्क मध्य बाड़ी। पांच नंबर खबर पिपिली उपनिर्वाचन नहीं कांग्रेस और बीजेपी होती मुहांमुही एप्रिल 17 होगा पिपिली उपनिर्वाचन कांग्रेस प्रार्थी अंगिज मंजराज मृत्यु पर स्थगित रही उपनिर्वाचन तारीख मे 16 को घुंचाई दि जाइला हेले सारा देश में कोरोना स्थिति जेपर लग रही दृष्टि रखी यहाँ बंद करने कांग्रेस पक्षर दावी कर गत 14 घंटा कोरोना कांग्रेस प्रार्थी अजित मंगराज को मृत्यु घटी अजित मृत्युर किसी दिन पर माँ कोरोना आखि बुझी थे एवं राज्य में कोरोना स्थिति आयत्तर हो दैनिक संक्रमण 6000 उपर रहीपरिकी पुरी जिले में मध्य कोरोना संक्रमण आज 250 उपर रही ए परिस्थिति रे पिपिली उपनिर्वाचन बंद पर दावी करछि कांग्रेस कोरोनार दूत कांग्रेस दोषी पिपिली उपनिर्वाचन बंद करा जो बोली प्रेस मीट करछन्ती पीसीसी कार्यकारी सभापति तथा प्रदीप माझी दावी करछन्ती प्रदीप कहछन्ती कोरोना स्थिति उपनिर्वाचन कौन से गुरुत्वपूर्ण स्थिति रखु नाही
कोरोना भयावहत निकट लोकों जीवन आग निर्वाचन पछ निर्वाचन बंद करने को बीजेडी बीजेपी सहयोग करतु एने आज अपराह्न दल निर्वाचन आयोग को भेटे प्रदीप। छ नंबर खबर विलंब हो पारे 18-44 वर्ष वयस्क टीकाकरण आशंका प्रकाश कले परिवार कल्याण निर्देशक राज्य विलंब हो पारे टीकाकरण 18-44 वर्ष वयस्क टीकाकरण विलंब हो पारे टीका आसवे विलंब हो टीकाकरण को अनिश्चित देखा देखी टीकाकरण ने आशंका प्रकाश करते परिवार कल्याण निर्देशक तथा विजय पाणिग्रही मे मसरे कोविडशील्ड टीका पहुँचवा संभावना क्षणी थी मसर मध्यभाग सुधा कोविडशील्ड आसवर संभावना रोची टीका आसवापर ही टीकाकरण आरंभ होपरी फेज तीन टीकाकरण काली पंजीकरण आरंभ हो क्वांटीन पोर्टाल को जाई समस्त पंजीकरण करेंगे यह प्रक्रिया 28 तारीख पर्यंत आसंता काली आरंभ हो किंतु टीका नापर एवं स्लॉट अपार्टमेंट मिलना ना टीका आसवापर ही पोर्टाल मध्यम स्क्लीट दिजा परिवार कल्याण निर्देशक 18-44 वर्षर समस्त मागणा टीकाकरण दिजाप मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा करते हैं राज्य में एवं टीका ना कोविडशील्ड टीका गत काली चिठी लिखा जापटे मागणा टीकाकरण दुई कंपानी को अर्डर देखते 3,77,00,000 कोविडशील्ड टीका और 10,00,000 डोज कोविडशील्ड अर्डर दि जा। सात नंबर खबर कोरोना संकट में दिल्ली सरकार गर्जिले हाइकोर्ट ऑक्सीजन अभाव को नहीं मृतकों तदंत लगे दाबी निर्देश कले कोरोना संकट में दिल्ली हाइकोर्ट मंगलवार राज्य केजरीवाल सरकार को ऊपर बर्षि जदि तुम द्वारा मैनेज न हो पार्चे कही दिंतु आम केन्द्र को दायित्व दे दू बोली कोर्ट कही हस्पिटाल मानक कोरोना आक्रांत चिकित्सा को नहीं शुणी राज्य सरकार वकिल तथा राहुल महेना अम्लजान तथा जोगाण लगी राज्य सरकार को एक वेब पोर्टाल खोली कोर्ट को कही तेज केवल ऑक्सीजन नुहे कोरोना चिकित्सा लगी आवश्यक होता रेमडेसिविर और डोकास मेडिसिन भली औषधर कलाबजारी कथा से सामना को आनी तेज जड़े ग्राहकों एपरी औषध ब्लाक कि उचित नुहे यह हस्पिटाल सप्लाई चेन में मिलवा कथा कोर्ट कही तेज एने चिकित्सा उपचार हो रोगी लगी आदेश जारी हो सरकार पक्षर वकिल कही तेज शुणी एक अनलाइन पोर्टाल रियल टाइम सूचना मिली जानवाक मिली बोली कोर्ट कही दिल्ली सरकार को कोरोना चिकित्सा लगे व्यवहित होता औषध जोगाण ऑडिट करने को कोर्ट निर्देश देखते। आठ नंबर खबर विचारपति पंचतारका होटेल होटेल 100 बेड सुविधा आम माग नु यहाँ दिल्ली हाइकोर्ट दिल्ली हाइकोर्ट विचारपति अशोका होटेल रूम बुक करने मामला हाइकोर्ट निज हस्तक्षेप कर दिल्ली उच्च न्यायालय कहते न्यायाधीशों केवे भी पंचतारका होटेल 100 बेड विशिष्ट सुविधा मगाई जा न था हाइकोर्ट कहते हैं अनुरोध करन हाइकोर्ट कहते आपण निजे कल्पना करूँ जो आम केमी एपली करूँ लोकं हस्पिटाल मिलूनी आउ आम आपण को पंचतारका होटेल बेड मागू गणमाम भूल नुए आपण अर्डर भूल आपड़ कौन सी गोटे श्रेणीर सुविधा केमी देखिपारती दिल्ली सरकार को यह संबंध में जवाब दाखल करतु दिल्ली हाइकोर्ट सरकार को नोटिस जारी कर सरकार कहते हैं यह पचर किसी खराब भावना नाला ये आदेश तुरंत फेरई नाक हाइकोर्ट दिल्ली सरकार को कही सरकार कही आदेश फेरई ने हाइकोर्ट कहते यह मामला भावनार भी बहुत दूर जे आम एक संस्था भाव सुविधा मागबू गुरुवार दिन यह मामलार शुणी हो पार बोली जमापड़ी। नौ नंबर खबर प्रख्यात साहित्यिक तथा पद्म विभूषण मनोज दास परलोक विशिष्ट साहित्यिक तथा उपन्यासिक संवादकार तथा पद्म विभूषण मनोज दास परलोक हो ओडिशा साहित्यर मड़ुणी कहुवा तथा प्रख्यात साहित्यिक मनोज दास 88 वर्ष बयस शेष निश्वास त्याग करते से दीर्घ दिन धरी असुस्थ थे और लगातार भाव चिकित्साधीन रोला पडुचेरी स्थित श्री अरविंद आश्रम नर्सिंग होम चिकित्सित अवस्था तांकर निधन होइतिबार सूचना मिली 1943 मसीहा फेब्रुआरी 27 तारीख दिन बालेश्वर जिला संखारी गाँव में जन्मग्रहण करते मनोज मनोज दास एकाधिक आकार जन साहित्यिक सांबादिक स्तंभकार ओडिशा साहित्य तथा ओडिया और तथा भारत साहित्य भाव तांकर अवदान अविस्मरणीय साहित्य प्रति एकाग्रता भल पाइबा एवं अवदान 2001 मसीह पद्मश्री एवं 2020 मसीह पद्म विभूषण सम्मान में सम्मानित करवाद साहित्य एकाडेमी और सरस्वती सम्मान में सम्मानित हो सारी मनोज दास अनेक कालजयी उपन्यास स्रष्टा होती तथा साहित्यिक मनोज दास। दस नंबर खबर संकट में पूर्वतन मुंबई पुलिस कमिशनर परमवीर सिंह विरोध में डीजीपी को 14 पृष्ठार चिठी लिखिले सब इन्स्पेक्टर महाराष्ट्र पूर्वतन गृहमंत्री अनिल देशमुख विरोध में 100 कोटी टंका चंदा आदाय और अभियोग विरुद्ध सीबीआई तदंतर कारण होता बेले
पूर्वतन मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एवं निजे संकट आड़क मुहैंती जैनिक पुलिस इन्स्पेक्टर तांको विरुद्ध गुरुत्व अभियोग आनी पुलिस महानिर्देशक डीजीपी को एक 14 पृष्ठार पत्र लिखिंट इन्स्पेक्टर तांको पत्र परमबीर सिंह विरुद्ध एताला तथा एफआईआर रुजु लगी दावी करछंती। या पूर्व अन्य जने सब इन्स्पेक्टर अनिल डांगे और परमबीर सिंह अंडरवर्ल्ड संपर्क उजागर कर विभाग चांचल्य सृष्टि कर तेज डीजीपी को 14 पृष्ठार पत्र एवं परमबीर सिंह समस्या को उत्कृष्ट करुच्ची। परमबीर सिंह 17 मार्च 2015 31 जुलाई 2018 पर्यंत थाने पुलिस कमिशनर अवस्थापित थिले। एही समय से तांको पद एवं क्षमतार अनेक दुरुपयोग करथवा थाने पुलिस इन्स्पेक्टर तथा भीमराव ओफर्स तथा भीमराव आघाड़ी अभियोग करछंती। मर्मरे से 14 पृष्ठार एक पत्र डीजीपी को देछंती। तत्कालीन पुलिस कमिशन अपराधी को हतोत्साहित करिबा बदले सेमानको उत्साह वृद्धि करिबा एवं निजे भ्रष्टाचार लिप्त हेबार घटना मध्य आगे आगड़ को करि देछंती। 11 नंबर खबर, प्रधानमंत्री मोदी खुड़ी परलोक कोरोना थी संक्रमण। कोरोना द्वितीय लहर देश में स्थित संगीन रोचे आक्रांत ताल मृत्यु संख्या बढ़वे लगी। क्रम नरेंद्र मोदी खुड़ी तथा निर्मदाबेन मोदी मंगलवार दिन अहमदाबाद सिविल्स हस्पिटाल परलोक हो कोरोना भाईरस आक्रमण में संक्रमित थे। मृत्यु बेलू 80 वर्ष बयस होता से सहर न्यू रापिन अंचल रोते। प्रधानमंत्री छोट भाई प्रहलाद मोदी कहते कोरोना संक्रमण स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ जबार आम खुड़ी को आम निर्मदा बेन को प्राय 10 दिन हम अहमदाबाद सिविल्स हस्पिटाल भर्ती कराइला। आज हस्पिटाल से शेष निश्वास त्याग करते। निर्मदा बेन को स्वामी तथा जगजीवन दास प्रधानमंत्री मोदी बापा दामोदर दास को भाई थे। अनेक वर्ष पूर्वे मृत्यु घटी सारी। 12 नंबर खबर, कोरोना अत्यावश्यक सामग्री दरदाम वृद्धि ने आरबीआई को आशंका। सार देश में एवं कोरोना द्वितीय लहर उत्पाद रचाई संक्रमण हार वृद्धि को सांग को हस्पिटाल मानक आक्रांतों संख्या बढ़वे लगी। परिस्थिति जारी है आग को अत्यावश्यक सामग्री मूल्य बढ़ी पारे भारतीय रिजर्व बैंक तथा आरबीआई मंगलवार आशंका प्रकाश करदी। संक्रमण हार यही अनुपात में बढ़ी बढ़ी चले तेज हुए तो सरकार सारा देश में लॉकडाउन लागू करने को बाध्य हो पारती आरबीआई आशंका व्यक्त कर। जदि सरकार शेष पदक्षेप नि तेज जोगाण श्रृंखल प्रभावित हो चाहिदा और जोगाण प्रभावित हेले बयादर बढ़िया सतना केन्द्रीय बैंक तथा इको स्टेट्स कहते समय पूर्व जदि कोरोना आयत्तर कर सरकार विफल हेले विभिन्न सामग्री चालाण दीर्घ समय पर्यंत प्रभावित हो पारे। यार प्रभाव जोगाण श्रृंखला उपर पड़ा जो इंधन मुद्रास्फीति बढ़ फल अत्याधिक तैल दर लगी देश मुद्रास्फीति वृद्धि होरबीआई आकलन कर। आरबीआई को तथ्य अनुसार उपयुक्त मूल्य एवं सूचिका मार्च मासरे 5.5% थिला। या पूर्व मासरे यार हार 5% पर्यंत सीमित थिबा बेले खाद्य एवं ईंधन मूल्य वृद्धि घटीला। तबे मे मासरे मुद्रास्फीति आहुरी अधिक होइ पारे बोली आरबीआई आकलन करछंती। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबा पई धन्यवाद। जदि आपण माने वर्तमान पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तले सब्सक्राइब करंतु भिडियो गुडा को लाइक करंतु एवं कमेंट रे आपण कटि पणि दियंतु। धन्यवाद। पुणि थरे देखा साक्षात हेबा परवर्ती भिडियो रे।